मौसम लगातार अपने रंग बदल रहा है और इन दिनों आप देख भी रहे हैं कि बरसात के बाद कई बार ठंड का एहसास भी हो रहा है। लगातार बदलते इस मौसम के क्या कारण है और इस बार मानसून कब तक रहेगा, इसको लेकर हमने मौसम विभाग के की निदेशक सुरेंद्र कौल से बातचीत की, जिन्होंने कहा कि इस बार मानसून सितंबर तक रहेगा। पिछले 10 साल से मानसून में काफी बदलाव देखे गए हैं और पिछले 24 घंटे में पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर खूब बरसात भी हुई है, लेकिन अब आने वाले 5 दिनों में बरसात नहीं होगी और जहां रात को बरसात और दिन में तेज धूप भी देखी जा रही है, उसको लेकर भी मौसम विभाग निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि यह मौसम में बदलाव की वजह से है। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। सर, स्कैटर्ड दिया है जो एक दवाई दिल रखी है ना, सर जो इस बार मौसम देखा जा रहा है काफ़ी तब्दीली देखी जा रही है, दिन में उमस होती है लेकिन रात को मौसम ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण? देखिए, तो मानसून अभी एक्टिव है। जनरली ये होता था कि सितंबर मिड सितंबर के आसपास मानसून के टॉप पे होता था, लेकिन आप कुछ सालों से देख रहे हैं कि मानसून अक्टूबर में विड्रॉ हो रहा है। तो अभी मानसून का असर आप देख रहे हैं, जैसे पिछले 24 घंटे में हरियाणा में काफ़ी जगह बारिश हुई है, पंजाब में भी कुछ जगह पर रही है। तो ये बारिश के होने के कारण ये होता है कि दिन में आप ह्यूमिड देखते हैं और रात को ठंडा होता है, और ये मानसून का सिलसिला अभी कुछ दिन और चलेगा, सितंबर एंड तक तो ये संभावित है कि मानसून रहेगा, लेकिन आज के बाद जो है बारिश में कमी आएगी। करीब अगले 5 से 6 दिन जो है बारिश कम रहेगी, काफ़ी कम रहेगी, एक दो जगह में रेनफॉल एक्सपेक्टेड है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में, लेकिन लास्ट वीक ऑफ सितंबर में फिर से मानसून सक्रिय होगा। तो कुल मिला के जो ये मानसून एक्टिविटी चल रही है, जैसे सितंबर में मानसून लेवल भी अच्छा है, बारिशें भी अच्छी हुई हैं, तो उससे भी असर है। जो इस बार देखा जा रहा है मानसून काफ़ी लंबा खींच गया है, आखिर क्या कारण है कि इस बार? नहीं, देखिए, मानसून सीजनल शिफ्टिंग कुछ आप देख रहे होंगे, विंटर भी थोड़ा एक्सटेंड हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि नवंबर दिसंबर तक ज़्यादा सर्दी नहीं होती, फिर आगे फरवरी मार्च तक जाता है। इसी तरह से मानसून पिछले 10 सालों से मतलब आप देख रहे होंगे कि या तो एंड सितंबर में जाता है या फिर अक्टूबर में भी मानसून जा रहा है, तो उसी तरह से इस साल भी संभावित है कि मानसून डिलेड मोड में रहेगा और सितंबर एंड तक तो अभी मानसून का असर देखने को मिल रहा है जो इंडिकेशंस हैं, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वीक अक्टूबर में भी कुछ उसका असर देखने को। सर, अभी तक मौसम जो आने वाले समय में है किस तरह का रहने वाला है? रात को ठंड होगी? नहीं, टेम्परेचर देखिए ग्रेजुअली कम हो गए, खासकर न्यूनतम तापमान, उससे ठंड जरूर रहेगी, मॉर्निंग में कुछ जो है रिलीफ मिल जाएगा जो गर्मी चली हुई है, लेकिन दिन में फिर धूप भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है थोड़े से बढ़ेंगे अब आने वाले टाइम में 5 से 7 दिन, फिर अगेन जैसे आप फिर से एक मानसून डिप्रेशन जो है फॉर्म हो रहा है, तो उससे फर्दर मानसून सक्रिय होगा नॉर्थ इंडिया में और पंजाब हरियाणा में, उससे फिर से टेम्परेचर कम हो जाएगा। चंडीगढ़ में मौसम किस तरह का रहने वाला है आने वाले दिनों में, टेम्परेचर कितना? तापमान तो देखिए अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, न्यूनतम में कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन सुबह शाम ठंडे होंगे, बारिश विशेष नहीं है आने वाले दिनों में। ट्राई सिटी में ठीक रहेगा मौसम, लेकिन ये आइसोलेटेड वेदर हो जाता है, जैसे पहाड़ों के साथ कोई क्लाउड फॉर्मेशन होती है, उससे कभी कभार बारिश के चांस है, लेकिन अदरवाइज बाई एंड लार्ज मौसम जो है अब आगे ठीक रहेगा। ट्राई सिटी आने वाले समय में उमस से निजात मिलेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब धीरे धीरे जैसे मानसून विड्रॉल पे है तो उमस भी धीरे धीरे कम होगी, और आप देखेंगे कि ग्रेजुअली टेम्परेचर कम होने शुरू हो जाएंगे और फिर जो है कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से, पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।